चलिए आज के इस वीडियो में देख लेते हैं जो आप लोगों का जेई टेस्ट नंबर 2 हुआ था उसके क्वेश्चंस के सोल्यूशन। इसमें केमिकल बॉन्डिंग के 15 क्वेश्चंस थे, मोल कॉन्सेप्ट के 5 क्वेश्चंस थे, रिडॉक्स के 5 क्वेश्चंस थे और पीरियोडिक टेबल के 5 क्वेश्चंस। तो लेट नहीं करते हैं, फटाफट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है टोटल नोडल प्लेन बताना है अपने को। तो ठीक है, सब मिला के नोडल प्लेन बताना बड़ा आसान है, बस हमें ये देखना है कि उनका चेहरा कैसा है। जैसे सिग्मा 2PZ बनाना है, तो आप अगर सिग्मा बनाना चाहते हैं पी ऑर्बिटल को मिला करके, तो आपके पास वही एक्सिस होनी चाहिए जो वहां पर पी ऑर्बिटल्स लिखे हैं। तो जैसे जेड लिखा है तो जेड पी एक्सिस मान लीजिए, और इनका चेहरा सेम एक्सिस के अबाउट अगर ओवरलैपिंग कराएंगे तो जो इनके PZ PZ वाले ऑर्बिटल्स होंगे, मतलब ऐसे अगर हम दिखा दें आपको, ये σ2PZ हो गया, दूसरे का σ2PZ हो गया, ये तो नॉर्मल ओवरलैपिंग हो गई। लेकिन अगर आप बॉन्ड बनाना चाहते हैं, इसका मतलब ये सेम फेज में है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक साथ पेयर्ड हो जाएंगे, फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी। जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी वो लोब छोटे हो जाएंगे, और बीच में दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बढ़ जाएगा। ये एक प्लेन नोडल प्लेन रह जाएगा, ये एक प्लेन नोडल प्लेन रह जाएगा। तो इसमें दो नोडल प्लेन, मतलब ऐसा प्लेन जहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप एस ऑर्बिटल की बॉन्डिंग करोगे, तो एस ऑर्बिटल जिस भी एक्सिस के अबाउट अगर उनकी ओवरलैपिंग कराओगे, तो वो अगर आपस में मिल गए तो उनका चेहरा ऐसे होता है। तो न्यूक्लियस के दूर दूर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत कम होते हैं, न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा, लेकिन बीच में एक भी ऐसा प्लेन नहीं ले सकते जहां पर नोडल प्लेन ना हो, तो इसमें नोडल प्लेन जीरो होता है। लेकिन अगर आप एंटी बॉन्डिंग लेंगे तो फिर ऐसा होगा कि दो न्यूक्लियस तो पास में आ जाएंगे, लेकिन उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे से दूर भाग जाएंगे। ऐसे केस में बीच में एक नोडल प्लेन आ जाएगा। पाई टू पी एक्स, अगर आप एक्स के अबाउट पाई बनाना चाहते हैं या पी एक्स को मिला करके पाई बनाना चाहते हैं, तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस वाई मान लीजिए, जैसा मान लेते हैं ये, तो पहला पी एक्स और दूसरा पी एक्स, जब ये आपस में साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे तभी पाई बनेगा। तो जब ये पाई ऑर्बिटल बनाएंगे अपने पास ये लोग आपस में मिलकर के, तो ऐसा होगा इस एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, इस एक्सिस के नीचे इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, लेकिन इस एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं होगा। तो ये एक्सिस एक नोडल प्लेन हो जाएगा, तो यहाँ पर भी एक नोडल प्लेन रहेगा, तो यहाँ दो नोडल प्लेन, यहाँ जीरो, यहाँ एक, यहाँ एक, तो सब मिलाकर के चार नोडल प्लेन हो जाएंगे, मतलब सी पार्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमसे क्या बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज द ऑक्टेट रूल इज नॉट ओबेड। ऑक्टेट रूल अगर कभी ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होगा तो वो कभी ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा है सीओ, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर आप इसमें देखेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, और कार्बन और ऑक्सीजन दोनों ही ऑक्टेट रूल फॉलो करेंगे तभी एग्जिस्ट कर सकते हैं। देख लो, कार्बन क्लास में चार होते हैं, एक और आ गया 5, तीन बॉन्ड में चले गए, दो बच गए, तीन बॉन्ड से 6 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, दो घर में पड़े हैं पहले से ही, तो 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्टेट रूल। ऑक्सीजन क्लास में 6 होते हैं, प्लस का मतलब 5 हो गए, तीन बॉन्ड में चले गए, दो बच गए, फिर से तीन बॉन्ड से 6 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, दो पहले से ही हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसने भी ऑक्टेट रूल फॉलो कर लिया। लाफिंग गैस, इनका प्यारा सा स्ट्रक्चर होता है लाइक ओजोन ऐसा, तो अगर आप इनके स्ट्रक्चर को फाइनली देखेंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर कंप्लीट होकर आएगा। तो इस नाइट्रोजन के पास देखोगे तो फिर से वही एक लोन पेयर मिलेगा, बीच में नाइट्रोजन ने चार बॉन्ड बनाए तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, 3 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से और 2 इलेक्ट्रॉन पहले पड़े। ऑक्सीजन के पास भी देखोगे तो 6 होता है, एक और आ गया 7, एक बॉन्ड में चला गया तो 6 बचेगा, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के पास पहले से ही है, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से आ जाएंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन। सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन का होना मतलब इसने ऑक्टेट रूल को फॉलो किया है लाइक सीओ। I3 माइनस में जब आप सेंट्रल एटम पे देखोगे तो तीन तीन लोन पेयर मिलेगा, और उसने दो बॉन्ड भी बना रखे हैं, दो बॉन्ड से 4 इलेक्ट्रॉन और तीन लोन पेयर से 6, तो सब मिला करके 10 इलेक्ट्रॉन। तो जो बीच में आयोडीन है उसने ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं किया, मतलब इस I3 माइनस ने ऑक्टेट रूल का वायलेंस कर दिया। जबकि I3 प्लस में अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपके पास जो सेंटर में आयोडीन है उसके पास ऐसे तो 7 होते हैं, प्लस का मतलब 6 हो गया, दो बॉन्ड में चले गए, 4 बचे, तो 4 बचे हैं और 4 ही बॉन्ड से मिलेगा क्योंकि दो बॉन्ड बनाए हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन। और इधर उधर देखोगे तो उनके पास तो 6 बचे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से, तो 8 इधर भी, 8 इधर भी, तो सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है। तो ऑक्टेट रूल ना फॉलो करने वाला कौन है, एनओ और I3 माइनस, मतलब 1 एंड 4, तो 1 एंड 4 आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर में, सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। तो ये ऐसा क्वेश्चन था जिसमें सबको बोनस मिला होगा +4 मार्क्स, क्योंकि सब में एक ऐसा है जिसमें जीरो डायपोल मोमेंट है, जैसे BF3 ट्रायंगुलर प्लेनर सब कैंसिल आउट, CO2 लीनियर की वजह से दोनों कैंसिल आउट, बस केवल ये ऐसा था जो पोलर था जिसका डायपोल मोमेंट नॉन जीरो था। NF3 पिरामिडल पोलर, SF4 ये सी सॉ ये भी पोलर होता है, लेकिन XCF4 नॉन पोलर हो जाता है, ठीक है। ऐसे PCl5 वो तो नॉन पोलर हो जाएगा क्योंकि सारे वेक्टर कैंसिल आउट हो जाएंगे, जबकि ये दोनों पोलर हैं। लास्ट में अमोनिया और SO2 ये दोनों पोलर हैं क्योंकि SO2 बेंट होता है अमोनिया पिरामिडल, लेकिन BeCl2 तो नॉन पोलर हो जाएगा,
BeCl2 का डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर कोई भी ऐसा सेट ऑफ पेयर नहीं है जहां पर नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट हो, ठीक है। तो इन चारों में आंसर नहीं, तो सबको चार नंबर फ्री में मिले हैं, ठीक है, फायदा मतलब। नेक्स्ट, फोर नंबर में डाइपोल मोमेंट ऑफ HF इज गिवन 1.8, इट्स वैल्यू इन कूलम मीटर इज, तो ये तो जस्ट कन्वर्जन है, वन डाइपोल वन डिवाइड इक्वल्स टू 3.33 इंटू 10^-30 कूलम मीटर, ये होता है, तो बस आप डाल दीजिए। तो 1.8 इंटू डिवाइड की जगह पर 3.33 इंटू 10^-30 कूलम मीटर, सॉल्व कर लीजिए फटाफट, आपको आंसर मिल जाएंगे, आंसर मिलेगा इसका ए पार्ट। फाइव नंबर में कंसिडर द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट करेक्ट कोड। F2- में देखेंगे तो आपके पास 19 इलेक्ट्रॉन, इसके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फिगरेशन लिखना पड़ेगा, तो फिर से वही सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s और सिग्मा 2s स्टार लिखेंगे, ये तो नॉर्मल है, फिर वही लिखेंगे सिग्मा 2px, फिर आपको लिखना पड़ेगा π2py इक्वल्स टू π2pz, फिर इनकी एंटी बॉन्डिंग आनी पड़ेगी, π2py स्टार इक्वल्स टू π2pz स्टार, और सबसे लास्ट में सिग्मा 2px स्टार। तो जब आप इलेक्ट्रॉन फिल करते हुए आएंगे तो बाबा में मतलब दो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, दो दो चार छः और आठ, फिर यहाँ पर तो 10 हो जाएंगे, चार इलेक्ट्रॉन यहाँ डालोगे तो 14, 15, 16, 17, 18, फिर यहाँ पर 19, जो 19 नंबर इलेक्ट्रॉन होगा वो σ2px एंटी बॉन्डिंग में आ जाएगा, मतलब सबसे लास्ट वाला जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वहां पर। तो ये बोलना कि इसके पास एक अनपेयर्ड है π2py स्टार में, ये बात गलत है, तो फर्स्ट वन इज फॉल्स, मतलब अपने आप आंसर जो है ए बी और सी तो एलिमिनेट हो गया। अब सेकेंड और थर्ड आप चाहो तो ना चेक करो, क्योंकि वो दोनों में ही ट्रू है, बस आप लास्ट चेक कर लो। ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इनटू डाई ऑक्सीजन, अगर आप डाई ऑक्सीजन में वन इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, O2-। इसकी वजह से आप देखिए कि O2 का बॉन्ड ऑर्डर तो दो होता है, जबकि O2- में बॉन्ड ऑर्डर देखोगे तो 1.5, बॉन्ड ऑर्डर घट गया तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बढ़ जाएगी, तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, यस ये बोलना सही बात है, तो लास्ट पार्ट आंसर हो जाएगा, कि पांचवे का आंसर बन जाएगा लास्ट ऑप्शन, ठीक है। और सब आप अगर चेक करेंगे C2 मॉलिक्यूल के लिए कॉन्फ़िगरेशन, तो जी हाँ इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा और दो पाई बॉन्ड होते हैं दोनों के दोनों, N2+ में 13 इलेक्ट्रॉन, इसमें जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो पाई पाई सिग्मा लिखना पड़ेगा, पहले तो लिखोगे सिग्मा 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s स्टार, उसके बाद पाई पाई देन सिग्मा, तो पहले पाई बॉन्ड बन जाते हैं फिर सिग्मा, तो ये भी करेक्ट होता है, आंसर हो जाएगा 5 का लास्ट। 6 नंबर, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर चाहिए था, ठीक है, H2PO की बात हुई थी यहाँ पर, तो H2O पहला वाला जो क्वेश्चन है, H2O, H2S, H2SE, H2TO और H2PO, ऊपर की तरफ बॉन्ड एंगल बढ़ता है, ये बिल्कुल सही है, जब सेंट्रल एटम बदलते हैं तो जो सेंट्रल एटम छोटा होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसके बॉन्ड एंगल ज्यादा मिलते हैं, करेक्ट है। यहाँ पर बोला नीचे की तरफ बढ़ता है, ये गलत बात है, और इन सब में सेम एंगल होगा क्योंकि सब ट्रायंगुलर प्लेनर है, सबका एंगल 120 रहेगा, तो ये बात गलत है अपने पास। थर्ड नंबर पे NO2 में बॉन्ड एंगल 134, ओजोन में 117, BF3 में 120, अमोनिया में 107 और वाटर में 104.5, तो ये भी करेक्ट ऑर्डर है बॉन्ड एंगल का। और लास्ट वाले में सब टेट्राहेड्रल हैं, तो सब जगह पर एंगल कितना होगा, 109°28', तो ये बात भी गलत है कि सब में बॉन्ड एंगल अलग अलग नहीं होगा। तो फिर करेक्ट कौन कौन सा है, पहला करेक्ट है और फोर नंबर करेक्ट है, ठीक है, फर्स्ट एंड फोर करेक्ट है, तो ए पार्ट आंसर बन जाएगा अपने पास। सेवन नंबर में अमंग द फॉलोइंग विच आर रॉन्ग स्टेटमेंट्स, हमें चेक करना है कौन कौन से गलत स्टेटमेंट है। पहला, सॉलिड PCl5, तो ध्यान रखिए सॉलिड, अगर सॉलिड PCl5 बोलता है तो PCl4+ और PCl6- होता है, तो PCl6- में हाइब्रिडाइजेशन बनेगा sp3d2, यहाँ दो d ऑर्बिटल है, dx²-y² और dz², ये दो d ऑर्बिटल यूज होते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। तो बोला है फॉस्फोरस यूजेस dz² ऑर्बिटल इन इट्स हाइब्रिडाइजेशन, तो ये बात सही भी है और एक हिसाब से गलत भी है, एक तो dz² यूज किया है लेकिन केवल dz² नहीं है, dx²-y² भी है उसके साथ, तो डाउट में रख लेते हैं ये स्टेटमेंट। सेकंड नंबर चेक करो, BF3 और अमोनिया बोथ दोनों, मतलब BF3.NH3 में जो बोरॉन और नाइट्रोजन है दोनों sp3 होते हैं, जी हाँ, क्योंकि यहाँ एक कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होती है, दोनों ने 4σ0 लोन पेयर का केस रखते हैं, दोनों sp3 हाइब्रिडाइज और टेट्राहेड्रल होते हैं, तो ये करेक्ट है, सेकंड तो नहीं होना चाहिए। अब या तो आंसर है या फिर सी, मतलब फर्स्ट को इनकरेक्ट जैसा यूज किया है क्योंकि वहां पर दो डी ऑर्बिटल यूज हुए हैं। थर्ड नंबर में BeF42- एंड CH4 हैव सेम शेप, 4σ0 लोन पेयर, 4σ0 लोन पेयर, तो दोनों टेट्राहेड्रल, तो सही बात है, तो थर्ड तो करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है, मतलब सी पार्ट भी आंसर नहीं होगा। अब NO2 एंड CO2 बोथ आर लीनियर, भैया NO2 तो में तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसकी वजह से वो नॉन लीनियर होते हैं और CO2 लीनियर होता है, तो लास्ट वाला गलत स्टेटमेंट है, तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट, ठीक है।
एट नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक, मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, एंड आइसो स्ट्रक्चरल मतलब सेम स्ट्रक्चर भी हो। तो जैसे Ti2, तो भैया ये तो ऑक्सीजन फैमिली के होते हैं, तो अगर उनका बॉन्ड में चला गया तो चार इलेक्ट्रॉन बचेंगे, मतलब दो लोन पेयर, दो सिग्मा दो लोन पेयर तो नॉन लीनियर होगा, जबकि XeF2 कैसा होता है, दो सिग्मा जीरो लोन पेयर से लीनियर। IF2- यहाँ पर देखोगे तो दो सिग्मा तीन लोन पेयर, ये भी लीनियर बनेगा, और XeF2 तो लीनियर होता ही। तो आइसो स्ट्रक्चरल तो ये दोनों है, और रही बात इलेक्ट्रॉन की, तो दोनों में F2 है तो F2 तो सेम हो गया। अब जेनॉन और I- ये दोनों सेम हो जाए, तो आप अगर ऐसे लिख लीजिए फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, और उधर देखिए तो हीलियम के बाद नियॉन आर्गन क्रिप्टन और जेनॉन। आयोडीन और जेनॉन में जस्ट वन इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, तो अगर आयोडीन में वन इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो वो जेनॉन के बराबर बन जाएगा। जी हाँ, तो फिर IF2- और XeF2 ये दोनों कैसे हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो बी पार्ट आंसर बन जाएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है आइसो स्ट्रक्चरल भी है, तो फाइनल आंसर बी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग बॉन्ड एंगल लेस देन 120 डिग्री, बॉन्ड एंगल लेस देन 120 डिग्री होना चाहिए, तो BF3 में तो 120 होता है एग्जैक्ट, ऐसा नहीं चाहिए। NF3 में 120 से तो कम हो ही जाएगा क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड को कम कर देता है। OF2 में भी दो सिग्मा दो लोन पेयर हैं, SP3 है, वो तो 109 से भी कम हो जाएगा, तो ये भी सही है। मतलब इन दोनों में तो 120 से कम है, लेकिन यहाँ तो 120 है और हम चाहते हैं लेस देन 120, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। BF2 में तो दो सिग्मा जीरो 180 हो जाएगा, तो ये भी वैसे एलिमिनेट हो गया। और सी वाले ऑप्शन में देखिए टेट्राहेड्रल, ये पिरामिडल और ये बेंट, 109 डिग्री 28 मिनट होगा CH4 में, अमोनिया में 107 डिग्री और वाटर में 104.5 डिग्री, तो भैया इन सब में तो 120 से कम है, तो यही आंसर 9 का आंसर सी पार्ट। 10 नंबर में SiO2 और CO2 बोथ केसेस में जो एटम है सेंट्रल एटम वो SP हाइब्रिडाइज्ड है, ये गलत बात है क्योंकि SiO2 थ्री डायमेंशनल पॉलीमरिक स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहेड्रल होता है, SP3 हाइब्रिडाइज होते हैं। सेकेंड नंबर में Al2Cl6 और AlOH होल थ्राइस, दोनों में एल्यूमिनियम SP3 हाइब्रिडाइज है, नहीं भैया Al2Cl6 में तो डाइमर होता है, वहां चार सिग्मा जीरो लोन पेयर हो जाते हैं, तो वहां पर तो SP3 होता है, लेकिन यहां पर तो तुमने बस केवल AlOH होल थ्राइस लिखा है, यहां तीन सिग्मा जीरो लोन पेयर होगा, यहां SP2 बनेगा, तो ये बोलना कि दोनों में SP3 है ये गलत बात है, यहां SP3 होगा क्योंकि ये डाइमर होते हैं Al2Cl6, यहां पर चार चार बॉन्ड बन जाते हैं ऐसे करके, हर एक एल्यूमिनियम का सेंटर नॉन प्लेनर होता है, दो सीएल बाहर अंदर आ रहे हैं और दो सीएल प्लेन में ऐसे रहते हैं, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट। डायमंड में SP3, जी हाँ, क्योंकि हर कार्बन चार कार्बन से बॉन्ड बनाता है, ग्रेफाइट में तीन ही तरफ बॉन्ड बनते हैं तो SP2, तो ये बात भी करेक्ट है, डायमंड में SP3 और ग्रेफाइट में SP2, तो थर्ड ही आंसर हो जाएगा सी पार्ट, करेक्ट ही तो पूछा है। और लास्ट वाले में बोला है डाइबोरेन में बोरॉन जो है SP3 होता है, दूसरा SP2, ये भी गलत है, दोनों बोरॉन SP3 होते हैं डाइबोरेन में, तो सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा बस। 11 नंबर में SF4, ये तो होता है सी सॉ कैसा होता है भैया, नॉन प्लेनर, तो नॉन प्लेनर में से कुछ आएगा, और सी सॉ के वेक्टर कैंसिल नहीं होंगे, ये अल्टीमेटली पोलर होगा, तो P का 1 से मैचिंग हो जाएगा, P का 1। अब क्यों मैच ही नहीं कराना है, जस्ट R मैच करा लो, आंसर हो जाए R, R CO2 है, CO2 कैसा लीनियर मतलब प्लेनर, तो प्लेनर है, और पोलर तो नहीं है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो R का 3 से मैचिंग होगी, तो R 3 से मैच हो जाएगा, आंसर बन जाएगा ए पार्ट सिंपल। 12 नंबर में विच पेयर ऑफ ऑक्साइड्स इज एसिडिक इन नेचर, तो CaO तो बेसिक है, SiO2 एसिडिक, B2O3 एसिडिक, SiO2 भी एसिडिक, बोरॉन और कैल्शियम ये बेसिक नेचर का है, देखो बी पार्ट आंसर हो गया क्योंकि बोरॉन के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं और SiO2 भी एसिडिक होता है, आपको पीरियोडिक टेबल में पूरे पीरियोडिक टेबल का ऑक्साइड का लिस्ट बनवा के दिया गया है, कौन कौन एसिडिक, कौन कौन बेसिक, कौन कौन न्यूट्रल, कौन कौन एम्फोटेरिक, ठीक है, तो आपको याद रखना चाहिए बोरॉन और सिलिकॉन दोनों ही एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। 13 नंबर में इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ, तो भैया बॉन्ड ऑर्डर आना चाहिए, ओजोन में बॉन्ड ऑर्डर होता है 1.5, O2 में 2, O2 प्लस में देखोगे तो 2.5, तो इधर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो इधर बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, तो सही बात है। O2 माइनस में बॉन्ड ऑर्डर देखोगे 1.5, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 2, यहाँ पर 2.5, फिर से बॉन्ड ऑर्डर उधर मतलब बॉन्ड ऑर्डर इधर बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ इधर बढ़ेगी, ये भी करेक्ट। पर ऑक्साइड में बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है, सुपर ऑक्साइड में बॉन्ड ऑर्डर 1.5 और O2 में बॉन्ड ऑर्डर 2, तो बॉन्ड ऑर्डर इधर बढ़ रहा है, फिर से बॉन्ड लेंथ इधर बढ़ेगी, ये भी सही। लास्ट वाले में देखिए O2 प्लस में बॉन्ड ऑर्डर होता है 2.5, O2 2 प्लस में बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और ओजोन में बॉन्ड ऑर्डर होता है 1.5। भैया बॉन्ड ऑर्डर तो उल्टा पुल्टा है, इधर सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर तो ओजोन में है, तो उसे सबसे आगे होना चाहिए था सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ, इसीलिए ये गलत है और गलत ही आंसर हो जाएगा अपने पास। तो मतलब 13 का आंसर क्या बनेगा, लास्ट पार्ट इनकरेक्ट ही तो पूछा है। 14 नंबर में
हमसे पूछ रहा है कि बताइए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका है। तो फटाफट इनको बदल लो, पहला है नियॉन, दूसरा है क्लोरीन, तीसरा है फ्लोरीन, और ये इन सब सबको ऐड करके एटॉमिक नंबर देखो और देखो ये कौन सा एलिमेंट है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन, तो थर्ड, तो सबसे मिडिल में तो थर्ड आना चाहिए, ठीक है। सबसे ज्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल, भैया नोबल गैस से ज्यादा किसका होगा, ऊपर वालों का ज्यादा होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल, ऊपर में भी नोबल गैस का तो सबसे ज्यादा होगा, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल मैक्सिमम होगा नियॉन का, मतलब फर्स्ट का। अब पहला देखना है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा, तो जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी सबसे ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी किसकी ज्यादा, क्लोरीन की, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी सबसे ज्यादा, सेकंड, तो सेकंड आंसर हो जाएगा, तो बी पार्ट आंसर बनेगा सिंपल। 15 नंबर क्वेश्चन में एक तरीके का सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, तो देखते हैं हम लोग। भाई क्या बोला है, 0.1 मोल ऑफ H3PO(X) इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय 5.6 ग्राम ऑफ KOH। तो H3PO(X) लिखा है, इसका मोल है 0.1 और ये KOH से रिएक्शन करता है कंप्लीटली, और 5.6 भैया अगर तुम उसका मोलर मास निकालोगे तो 56 हो जाएगा, तो आप डिवाइड कर लो तो मोल बन जाएगा 0.1। अच्छा, इसका मतलब एक मोल को खा रहा है, 0.1 मोल 0.1 मोल को कंज्यूम कर रहा है, इसका मतलब इसमें एक OH है तो उसमें भी एक ही H प्लस होगा, तभी तो दोनों एक ही करके खत्म हो जा रहे हैं, एक H प्लस ये दे रहा होगा, एक OH माइनस वो दे रहा होगा, दोनों आपस में न्यूट्रलाइज हो जा रहे होंगे, इसका मतलब है यहाँ पर एक ही H प्लस रहा होगा, एक ही H प्लस रहा होगा। एक H प्लस कैसे आएगा, जब X की वैल्यू 2 ले लोगे फॉर्मूला बन जाएगा H3PO2। H3PO2 मतलब समझ रहे हो, एक तो उसके पास एसिडिक H मिलेगा बस, ये वाला एक, तो बस X की वैल्यू 2 होनी चाहिए, और जब एक ही H प्लस होगा तो एसिडिक सॉल्ट नहीं बना सकता, एसिडिक सॉल्ट मतलब उसके पास एसिडिक H का बच जाना, अगर बहुत सारे एसिडिक H होते एक H प्लस दे देता तो कुछ बच भी जाता, तो फिर एसिडिक सॉल्ट बना लेता, लेकिन अभी नहीं बना सकता क्योंकि एक ही एसिडिक H है। तो 15 का आंसर सी पार्ट हो जाएगा, करेक्ट ही तो पूछा था ना। 16 नंबर में डाइपोल मोमेंट हमें दिया है 1.2 और हमें बॉन्ड लेंथ दिया है, पूछ रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जिस्ट ऑन ईच एटम। तो भैया सिंपल है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर बताना है, तो मैं फिर जाओ देख लो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैसे आएगा। गिवन डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय डाइपोल मोमेंट फॉर 100% आयनिक, ठीक है, तो 100% आयनिक का डाइपोल मोमेंट कैसे निकालोगे, तो ऐसे निकाल लो कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 4.8 × 10⁻¹⁰ ESU, और 1 angstrom दिया है, तो बॉन्ड लेंथ 10⁻¹⁸ cm, इनको मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन गया 100% डाइपोल मोमेंट जो आ सकता है आयनिक होने पे, वो 4.8 डिवाइड, इसके जगह पे आप लिख दोगे 10⁻¹⁸ ESU सेंटीमीटर, मतलब 1 डिवाइड। तो फॉर्मूला लगा रहे हैं हम लोग, परसेंटेज आयनिक करेक्टर इक्वल्स टू गिवन डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाई डाइपोल मोमेंट फॉर 100% आयनिक करेक्टर इंटू 100, तो ये आ जाएगा अपने पास 1/4, मतलब 25% आयनिक करेक्टर, तो 25% आयनिक करेक्टर मतलब सी पार्ट आंसर 16 का सी। 17 नंबर में 0.8 मोल ऑफ ए मिक्सचर ऑफ CO एंड CO2 रिक्वायर्स एग्जैक्टली 40 ग्राम ऑफ NaOH। अच्छा, मिक्सचर कितना है 0.8 मोल का, ठीक है, अच्छा ठीक है, इसमें से CO और CO2 दोनों हैं, लेकिन केवल CO2 ही तो NaOH से रिएक्शन करेगा, एक CO2 दो NaOH को खाएगा, क्योंकि ये लोग रिएक्शन करेगा एसिड बेस बनाएगा सोडियम का कार्बोनेट और वाटर। अब ध्यान से देखिए, NaOH है 40 ग्राम मतलब 1 मोल, अगर ये 2 मोल होता तो फिर एक CO2 खा जाता, तो एक मोल है तो कितना CO2 होगा 0.5, तो मिक्सचर में 0.5 मोल CO2 है ये पता चल गया, तो फिर CO कितना है 0.3 मोल है, मतलब पहले 0.3 मोल CO था जो रिएक्शन नहीं किया होगा, केवल NaOH CO2 से रिएक्शन किया होगा। अब आगे क्वेश्चन में अगर आप पढ़ेंगे तो हमसे बोल रहा है हाउ मेनी मोल्स, मिडिल में देखिए, हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaOH वुड इट रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन इनटू Na2CO3 इफ द मिक्सचर इज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज टू CO2। अगर ये पूरा का पूरा मिक्सचर CO2 का ही रहा होता 0.8 मोल, तो फिर कितना और CO2 लिया होता। तो देखो भैया, अभी तो मिक्सचर CO प्लस CO2 का है, तब तो उसने एक मोल लिया था NaOH, क्योंकि केवल CO2 ने कंज्यूम किया था, CO ने नहीं किया था, तो अगर ये CO भी CO2 में आ जाएगा तो फिर 0.3 मोल और CO2 हो जाएगा, पहले तो 0.5 खत्म ही हो चुका है, और कितना लगेगा NaOH, तो फिर वही जो 0.3 मोल और CO2 आएगा, जितना CO उतना CO2, तो अब जो ये CO2 कंज्यूम करे 0.3 मोल, ध्यान से देखो हर एक मोल जो है CO2 दो मोल NaOH को खाएगा, तो अगर 0.3 मोल CO2 है अपने पास एक्स्ट्रा जब ये पूरा मिक्सचर CO2 का हो जाएगा, तो फिर NaOH कितना और लगेगा, तो फिर NaOH लगेगा इसका डबल 0.6 मोल और एक्स्ट्रा CO2 NaOH लग जाएगा,
भैया, क्योंकि हर एक CO2 दो NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तभी तो कार्बोनेट बनाएगा। तो 0.5 मोल के लिए 1 मोल लगा था। पहले तो वो CO2 मिक्सचर में 0.5 मोल ही था, तो CO कितना था? 0.3। तो जब हम पूरा मिक्सचर CO2 में लेकर आएंगे तो फिर CO2, तो एक्स्ट्रा CO2 कितना आएगा? 0.3 मोल। और जितना एक्स्ट्रा CO2 आएगा उतना ही एक्स्ट्रा NaOH लगेगा, मतलब उसका डबल, क्योंकि हर एक CO2 के लिए दो NaOH लगना है। तो CO2 अगर एक्स्ट्रा आएगा 0.3, तो उसका NaOH लगेगा 0.6। इस वजह से आंसर क्या बन जाएगा? बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 18, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज 63% बाई मास, और हमसे जानना चाहता है अगर इसकी डेंसिटी है 1.4 ग्राम पर ml, तो हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ दिस सॉल्यूशन आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ दिस। मतलब फिर पहले तो आपके पास देखिए मास परसेंटेज लिखा है, डेंसिटी लिखा है, आप इसका यूज करके क्या बता सकते हैं? हम फटाफट ये बता सकते हैं इसकी मोलैरिटी कितनी है। तो मोलैरिटी कैसे आ जाएगा? मास परसेंटेज इनटू डेंसिटी इनटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो इसका मोलर मास 63, तो मोलैरिटी बन जाएगा 14। तो मोलैरिटी 14 हो गया इसका। अब तुम चाहते हो कि जो 14 मोलर नाइट्रिक एसिड है वो कितना ml लेकर जाए जिससे कि वो 250 ml 1.2 मोलर नाइट्रिक एसिड में बदल जाए। तो आप यहाँ पर ये लगा सकते हैं भाई, M1V1 इक्वल्स टू M2V2, ये 14 मोलैरिटी है, तो मिलीमोल इसका बनाने के लिए इसमें वॉल्यूम भी मान लेते हैं। बाद में तुम चाहते हो मिलीमोल कितना हो? 250 × 1.2। भाई मिलीमोल कैसे आएगा? वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी। तो बस यहाँ से भी निकाल लीजिए, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 21.42 ml। बस लास्ट पार्ट आंसर, क्योंकि हम चाहते थे कि ये नाइट्रिक एसिड इतना मिलीमोल हो जाए जितना 250 ml 1.2 मोलर नाइट्रिक एसिड में। ठीक है, तो आंसर बन जाएगा अल्टीमेटली लास्ट पार्ट। 19 नंबर, कैलकुलेट द मास ऑफ एनहाइड्रस HCl इन 10 ml ऑफ कंसंट्रेटेड HCl। ठीक है, तो हमें फिर से मास परसेंटेज और डेंसिटी दिया है, तो फटाफट यूज करके मोलैरिटी बता दो। तो मोलैरिटी हो जाएगा मास परसेंटेज इनटू डेंसिटी इनटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो ये बन गया मोलैरिटी। अच्छा, मोलैरिटी को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं वॉल्यूम से तो बन जाएगा मिलीमोल। तो मोलैरिटी 37 इंटू 1.2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 36.5, ये तो मोलैरिटी है, इंटू 10 ये क्या बन गया? मिलीमोल। इंटू 10 की पावर -3 ये बन गया मोल। इंटू 36.5 तो ये क्या बन जाएगा? मोलर मास, सॉरी मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया मोल में तो बन गया मास। बस अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो गया अमाउंट ऑफ HCl, कितना आ जाएगा ये सॉल्व करके? 4.44 ग्राम। यही पार्ट आंसर बन जाएगा। ध्यान से देखिए, पहले तो मोलैरिटी निकाल लिया। अगर अब तुम्हें 10 ml पहले से पता था, मोलैरिटी आ गई तो ये पता चल गया 10 ml कितना मोलर, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया तो बन गया मिली मोल। इंटू 10 की पावर -3 तो मोल बन गया, मोल में मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो मास आ गया। बस सॉल्व करना है, सॉल्व कर लीजिए, इजिली मिल जाएगा अपने पास। 20 नंबर में करेक्ट स्टेटमेंट हमें ढूंढने हैं। पहला है डाइपोल मोमेंट ऑफ अमोनिया इज लेस देन NF3, तो ये गलत बात है, अमोनिया का ज्यादा होता है भाई। सेकेंड है HCF4 में जो एडजेसेंट बॉन्ड एंगल है वो 90 और एंगल बिटवीन लोन पेयर जो है वो 180। तो सही बात है, ये स्क्वायर प्लेनर होते हैं, तो इनके जो पास पास वाले एंगल है 90 और जो इनके लोन पेयर होते हैं वो बाहर अंदर निकले रहते हैं 180 डिग्री पे, ये करेक्ट। NF3 और CLF3 में सारे बॉन्ड सेम होते हैं तो ये बात गलत है। NF3 में तो सारे सेम होंगे क्योंकि ये टेट्राहेड्रल से बिलोंग करता है, 3σ1 लोन पेयर पिरामिडल, लोन पेयर सबको सेम रिपल्सन देता है। लेकिन CLF3 कैसा है? टी शेप, जिसमें एक बॉन्ड इक्विटोरियल होते हैं और दो बॉन्ड एक्सियल होते हैं। इक्विटोरियल वाले बॉन्ड स्ट्रॉन्ग और एक्सियल वाले वीक होते हैं, ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो CLF3 में सारे बॉन्ड सेम जैसे नहीं है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट। SF6 में जो हाइब्रिडाइजेशन है वहां पर हाइब्रिड ऑर्बिटल DX²-Y² और DZ²। जी हाँ, 6σ मतलब SP3D2, D2 होगा तो 2D ऑर्बिटल यूज होंगे ये दोनों, तो ये बात करेक्ट है। और लास्ट में जो है द शेप्स ऑफ DXY, DYZ, DZX, ये तो एक जैसे होते हैं हाँ, लेकिन ये दोनों का सेम नहीं होता। DX²-Y² भैया, DX²-Y² ऐसा होता है, जबकि DZ² जो है वहां पर तो एक एक अलग तरीके का रिंग होता है DZ² में, तो ये बोलना गलत है कि ये दोनों भी सेम होते हैं, तो ये गलत स्टेटमेंट है। तो करेक्ट कौन कौन सा है? तो करेक्ट हो जाएगा अपने पास सेकेंड नंबर और फोर नंबर। सेकेंड एंड फोर आर करेक्ट, मतलब आंसर बन जाएगा 20 का, ए पार्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तो वो चार ऑप्शन वाले सारे क्वेश्चन हो गए। अब देख लेते हैं इंटीजर टाइप के क्वेश्चन, जिसमें से आपको 10 में से 5 ही करना था, तो फटाफट देख लीजिए जो आपने किया था। SBCl5, तो ये तो ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल होते हैं SBCl5। इसमें चाहता है कितने 90 डिग्री वाले, तो इसके रिस्पेक्ट में 3 90, इसके रिस्पेक्ट में 3 90, तो 6 90 हो जाएंगे। ठीक है, प्लस
120 वाले तो जो इक्वेटोरियल के एंगल होते हैं वो 120, 123, और 180 वाले तो बस एक्सियल वाले 1, तो सब मिला करके ये 10 हो जाएगा अपने पास। सेकेंड नंबर में बोल रहा है हाउ मेनी ऑफ द गिवन कन्वर्जेंस बॉन्ड एडर और पैरामैग्नेटिक करेक्टर दोनों ही डिक्रीज करेगा इन सब में से। तो आओ देख लो, O2 का बॉन्ड एडर 2, O2 माइनस का 1.5, शॉर्टकट लगाइए फटाफट और देख लीजिए। C2 का बॉन्ड एडर 2 और C2 माइनस का 2.5, B2 का बॉन्ड एडर 1 और B2 माइनस का 1.5, और Li2 का बॉन्ड एडर 1 और Li2 माइनस का बॉन्ड एडर 0.5। तो अब बॉन्ड एडर डिक्रीज करना चाहिए था, तो डिक्रीज कहाँ किया है, पहले में डिक्रीज किया है और लास्ट में, इन्हीं दोनों में से आंसर हो सकता है। और चाहता है बॉन्ड एडर तो डिक्रीज हो जाए, साथ में पैरामैग्नेटिक करेक्टर भी डिक्रीज होना चाहिए। तो हमें पता है O2 में दो अनपेयर्ड, क्योंकि वो 16 इलेक्ट्रॉन के साथ पैरा होता है, तो दो अनपेयर्ड से फिर एक अनपेयर्ड होगा O2 माइनस, क्योंकि 17 इलेक्ट्रॉन ऑड है तो एक ही अनपेयर्ड रह जाएगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब घटेगा तो पैरामैग्नेटिक करेक्टर घट जाएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर भी घट गया, पैरामैग्नेटिक करेक्टर भी घट गया, तो ये आंसर हो जाएगा, पहला तो सही है। लास्ट वाले में लेकिन देखेंगे तो Li2 में 0 अनपेयर्ड होगा, वो डायमैग्नेटिक है, जबकि Li2 माइनस में एक अनपेयर्ड है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, तो पैरामैग्नेटिक करेक्टर बढ़ जाएगा, इस वजह से लास्ट आंसर नहीं होगा। तो इन चार में से एक ही ऐसा है, पहला वाला, जहां बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज किया, साथ में पैरामैग्नेटिक करेक्टर भी डिक्रीज करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, कितने ऐसे हैं, 1 आंसर बन जाएगा 1। 23 नंबर में ये अच्छा क्वेश्चन था, हमसे जानना चाहता था कितने ऐसे एटम्स हैं जो कार्बन एटम्स जो एक लाइन में है। तो भैया ये जो ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज है, sp का मतलब ही है कि उन्हें लीनियर होना पड़ेगा, उनके इधर और उधर एक लाइन होनी पड़ेगी, इधर और उधर एक लाइन होनी पड़ेगी। तो ये वाला जो थर्ड कार्बन है उसे भी एक लाइन में रहना पड़ेगा, लेकिन थर्ड कार्बन तो sp2 है, तो उसके पास तो ट्रायंगुलर प्लेनर बनेगा, तो ट्रायंगुलर प्लेनर बनने के लिए वो कार्बन ऐसे हो जाएगा, फिर तीन ही कार्बन एक लाइन में रह पाएंगे, फिर वो कार्बन ट्रायंगुलर प्लेनर के लिए ऐसे चला जाएगा, फिर आगे उसे एक लीनियर बनाना है तो ऐसे। ये रियल में मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, लीनियर लीनियर फिर ट्रायंगुलर प्लेनर फिर ट्रायंगुलर प्लेनर फिर लीनियर फिर लीनियर। तो फिर मैक्सिमम कितने कार्बन एक लाइन में आ सकते हैं, तीन ही कार्बन एक लाइन में है, एक लाइन में, वन लाइन में एक लाइन अगर कंसिडर करोगे तो उसमें तीन ही कार्बन के एटम्स आते हैं, तो 3 होगा बस। मिथाइल बेंजीन का डायपोल मोमेंट दिया है 0.5, ठीक है, मिथाइल बेंजीन मतलब टॉलुइन, और बोल रहा है 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन, अगर हम दो मिथाइल लगा देते, दो मिथाइल मतलब 2CH3, अच्छा 2CH3 अगर मेटा पोजिशन पे लगाओगे तो उनका तो डायपोल मोमेंट वही रह जाएगा जो मिथाइल वाले का, तो इन दोनों का सेम डायपोल मोमेंट होगा, तो डायपोल मोमेंट इसका भी होगा 0.5 डिवाइड, बस उसको तुम ESU सेंटीमीटर में चाहते हो तो डिवाई की जगह पे डाल दो 10^-18 ESU सेंटीमीटर, तो भैया ये बन जाएगा 5×10^-19 ESU सेंटीमीटर। तो तुम चाहते हो 10^-19 हटा करके x, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। 25 नंबर में हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स जहां पर सेंट्रल एटम के पास एक लोन पेयर है, तो मोर देन वन लोन पेयर, तो पहले वाले में तो जस्ट वन लोन पेयर है SF4 में, दूसरे में 0 लोन पेयर, तीसरे में 2 लोन पेयर, तो 2 लोन पेयर वाला काउंट हो जाएगा, यहाँ पर फिर से एक लोन पेयर है तो ये काउंट नहीं होगा, एक से ज्यादा चाहिए। लाफिंग गैस में देखोगे तो नाइट्रोजन सेंट्रल एटम होता है, रियल में उसके पास कोई लोन पेयर होते नहीं। CrF3 में फिर से 2 लोन पेयर मिलेगा, और BrF5 में देखोगे तो वहां पर एक लोन पेयर, तो 2 लोन पेयर रखने वाला जो है वही तो आंसर बनेगा, 1 से ज्यादा लोन पेयर। तो HCl4 और CrF3 मतलब कितने ऐसे लोग हैं जहां पर एक से ज्यादा लोन पेयर है सेंट्रल एटम के पास, 2। 26 नंबर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 3 मोल्स ऑफ Cr2O7 2- इनटू Cr3+। तो बोलेंगे देखो भैया अगर तुम एक मोल को रिड्यूस करना चाहते तो यहाँ पर 2 क्रोमियम होते और हर एक क्रोमियम 6 में है तो 3 इलेक्ट्रॉन लगता, तो 2 क्रोमियम के लिए 6 इलेक्ट्रॉन लग जाता, एक मोल के लिए 6 इलेक्ट्रॉन, तो जब हम इसका 3 मोल लेकर जाते तो 18 इलेक्ट्रॉन लग जाता फॉर द रिडक्शन ऑफ Cr2O7 2- इनटू Cr3+, ठीक है, तो 18 हो जाएगा आंसर अपने पास। 27 नंबर में हमसे पूछ रहा है ये रिएक्शन बैलेंस करो और बताओ कि अगर वाटर का कोफिशियंट कितना होगा अगर I2 का कोफिशियंट 6 है, तो जाओ फटाफट चेंज देख लो, I माइनस से जा रहा है 0 में तो 1 का चेंज, और ClO3 माइनस में देखोगे तो वो +5 से जा रहा है -1 में, तो वहां पर 6 का चेंज आ जाएगा, तो यहां पर लगाओगे 6 यहां पर लगाओगे 1, तो फिर यहां पर लिखोगे 3 और यहां पर लिखोगे 1। चार्ज बैलेंसिंग के लिए देखोगे तो 6 माइनस और 1 माइनस 7, यहाँ 1 माइनस तो है 6 माइनस और ले आओ तो चार्ज बैलेंस हो गया। अब 6 सल्फेट तो यहाँ 6 लिखना पड़ेगा और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 3 वाटर डालना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से, जब आयोडीन का कोफिशियंट 3 है तो वाटर भी 3 है, तो जब आयोडीन का कोफिशियंट 6 होगा तो फिर वाटर भी 6 होगा, तो फिर 6 वाटर आ जाएगा अपने पास आंसर। 28 नंबर में
हमसे जानना चाहता है कितनी ऐसी रिएक्शंस हैं जो फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी को बता रहे हैं। तो आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है, गैसियस एटम में से गैसियस आयंस बनाए और एक इलेक्ट्रॉन निकाले। तो सोडियम गैस में से Na+ गैस और एक इलेक्ट्रॉन, तो ये तो काउंट हो जाएगा। पोटेशियम गैस में से पोटेशियम गैसियस आयन और एक इलेक्ट्रॉन, तो फिर ये भी काउंट हो जाएगा। O2 में से दो इलेक्ट्रॉन, ये नहीं है उसका आयनाइजेशन। सॉलिड में से निकालना, ये भी आयनाइजेशन इंथैल्पी नहीं है। गैस में से दो इलेक्ट्रॉन निकाल लेना, ये फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी नहीं है। फिर सॉलिड में से एक इलेक्ट्रॉन निकालो, सॉलिड से नहीं, गैसियस आयन में से, सॉरी गैसियस मेटल में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना, वो है फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी। किसी का भी फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या है, उसके गैसियस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो, वो होगा उसका। अब इसके लिए जितनी एनर्जी लगेगी वो फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी होगी। 29 नंबर में टोटल मोल्स ऑफ केमरोफोर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो फिर ठीक है, ले लेते हैं, एसिडिक मीडियम में बोला है, तो वही वैलेंसी फैक्टर 5 और मोल मान लेते हैं एक्स। यहाँ पर इनके वैलेंसी फैक्टर फेरस सल्फेट में 1 आ जाएगा, फेरिक सल्फेट में आप समझते हैं 3, फेरस फेरिक ऑक्सिलेट में 6 और ऑक्सिलिक एसिड में 2। ठीक है, तो इनटू इसका मोल सबका एक एक है तो एक ही, तो बस यहाँ से एक्स निकाल लीजिए, 2.4 बनेगा, क्योंकि उन्होंने पूछा है अप्रोक्स राउंड ऑफ करके बताना है अपने को, तो ये 2 मोल लगेगा। ठीक है, मतलब राउंड ऑफ करके ऐसे तो 2.4 लगेगा। 30 नंबर में हाउ मेनी ऑफ द गिवन स्पेसीज शोज डिसप्रोपोर्शनेशन, कैन शो डिसप्रोपोर्शनेशन। तो पहले में तो 7 में है, ये डिसप्रोपोर्शनेशन नहीं दिखा सकता। दूसरे में 6 में है, वो दिखा सकता है क्योंकि वो मैक्सिमम नहीं है। डिसप्रोपोर्शनेशन कौन दिखा सकते हैं, जो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में हो। यहाँ पर भी देखोगे सल्फर जो है 4 में है, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन दिखा सकता है। फ्लोरीन तो कभी नहीं दिखा सकता क्योंकि 0 ही इसका मैक्सिमम है, प्लस में कभी जाता है। Cl2 में देखोगे ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, ये दिखा सकता है क्योंकि ये प्लस में भी जा सकता है, माइनस में भी। और डाइक्रोमेट में देखोगे तो 6 है, ये मैक्सिमम है, तो ये नहीं दिखा सकता। तो कितने लोग हैं जो डिस्प्रोपोर्शनेशन दिखा सकते हैं इन सब में से, केवल 3। तो बस 3 आंसर हो जाएगा अपने पास। ठीक है, तो सारे 30 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए, ओवरऑल पर मिनट लगा ऐसा, अगर आप काफी स्पीड में करते हैं तो, या फिर 1 घंटे तो सफिशियंट थे पेपर के लिए। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, जो आप लोगों का JEE का टेस्ट नंबर 3 होगा उसके वीडियो सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।